प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दादिज ने बताया कि सावलिया सेठ की पूजा अर्चना कर राजभोग आरती के पश्चात सावलिया सेठ का भंडारा खोला गया, जिसमें 10,27,500 रुपए की राशि की गिनती की गई। इस मौके पर मंदिर बोर्ड के चेयरमैन भैरूलाल गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दादिज, नंद किशोर टेलर रोकडिया, मंदिर बोर्ड के सदस्य अशोक शर्मा, भैरूलाल सोनी आदि एवं मंदिर मंडल के कर्मचारी उपस्थित थे। बता दें कि बाकी की गिनती में 2 दिन का समय लगेगा। इस पर बड़ौदा बैंक एवं SBJ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक की टीम उपस्थिति में गिनती की गई। साथ ही छोटे नोटों की गिनती व सिक्कों की गिनती करनी बाकी है और सोना चांदी का तौल भी करना बाकी है। यह भंडार 2 दिवाली के बाद यह भंडारा को खोला गया है।